तो इसराइल अने आतंकवादी संगठन हमास वच्चे नी लड़ाई में आरब देशों अने अमेरिका साम सामे आवता होय एवी स्थिति आकार लई रही छे। इजिप्त में योजायेली केरोपिस समिट में आरब देशों प्रतिनिधिओए युद्ध ने रोकवानी पुरजोश में कोशिश नी वात करी हती, परंतु अमेरिका ना मोटा अधिकारी आ बैठक थी दूर रहा हता। गाजा पर इजरायल ने जवाबी कार्यवाही ना बे सप्ताह बाद पण सीजफायर नी जाहिरात करवामां नथी आवी। इजिप्त ना केरो मां मळेला सम्मेलन मां मोटा भागना देशोए गाजा पट्टी ना 23 लाख लोकोनी घेराबंदी थी मानवीय आपत्ति उभा थवाना जोखम ने लई चिंता व्यक्त करी हती। पेलेस्टाइन अने इजरायल वच्चे शांति स्थापवा माटे अत्यार सुधी थयेली शांति वार्ता मां अमेरिका शामिल थयो हतो, परंतु इजिप्त नी शांति वार्ता मां अमेरिका ना मोटा अधिकारी नी गैरहाजरी रही हती। केरो मां थयेली बैठक मां अमेरिका ना दूतावास ना प्रभारी ए भागीदारी नोंधावी हती अने कह्युं हतुं के आ सम्मेलन ना संयुक्त निवेदन ने जोईने अमेरिका पोतानुं स्टेन्ड क्लियर करशे। आ सम्मेलन मां इजरायल नी गैरहाजरी अने अमेरिका नी प्रतीकात्मक भागीदारी ना कारणे आ સંમેલનનું કોઈ ખાસ પરિણામ આવવાની શક્યતાઓ પહેલેથી જ ઓછી હતી। ઇજિપ્તનું આ સંમેલનનું આયોજન યુદ્ધને આગળ વધતું રોકી શકાય તે હેતુથી કરવામાં આવ્યું હતું, પરંતુ ત્રણ રાજદૂતોએ અસહમતિ વ્યક્ત કરી હતી। તેમણે કહ્યું હતું કે હાલમાં યુદ્ધ વિરામને લઈ અને નિવેદન જાહેર કરવું એ નિરર્થક છે, કારણ કે વર્તમાનમાં તેને લાગુ કરવું અશક્ય છે। તેને લાગુ કરવું ઇઝરાયલની આત્મરક્ષાના અધિકારનું ઉલ્લંઘન હશે। આ અસહમતિના કારણે આ સંમેલનનું સંયુક્ત નિવેદન જાહેર થઈ શક્યું ન હતું। બ્યુરો રિપોર્ટ, જીએસટીવી।